हेलो माय डियर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हाउ आर यू माय डियर कैसे हो तो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक सम मोर क्वेश्चंस ऑन रेशनल इरेशनल फंक्शंस रेशनल इरेशनल फंक्शंस के फॉर्म में जो आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसी बात करूंगा मैं उसको डिस्कस करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आपने किया था लास्ट क्लास में कल के क्लास में आपने ऐसा क्वेश्चन किया था अब देखूंगा मैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे पैटर्न वही कल क्वेश्चन में क्या था इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता कल कल ये 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 था रूट -X, रूट -X. ये था था क्वेश्चन क्वेश्चन एंड क्यूब रूट ऑफ ना यही क्वेश्चन आज भी है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है ये इसे हटाता हूँ बच्चे अब देखो क्वेश्चन में क्या करना यहाँ पे देखो क्या करना अपने पास ये अपने पास है वन प्लस रूट एक्स का रूट एक्स है बच्चे वन प्लस एक्स का क्यूब रूट एक्स है आपके पास क्या करना आप यहां लिखोगे पुटिंग ठीक है ना आप यहां लिखोगे पुटिंग क्या लिखोगे वन प्लस क्यों लिखोगे पावर हाफ है power one by three है। मैंने कहा था जब पावर में p पावर वन बाय थ्री है बच्चे तो टू और थ्री कितना होता है सिक्स तो आप लेंगे पावर का सिक्स का, का ये हो जाएगा डी एक्स सिक्स एंड डी जेड ये रहा अब कुछ नहीं करने का अब अपने पास लिखेंगे क्या x का वैल्यू x हो गया आपका z टू द पावर 6 माइनस 1 राइट right. dx हो गया आपका 6 बाहर निकाल लेंगे z टू द पावर 5 dz अपॉन 1 plus x का वैल्यू ये हो गया आपका z क्यूब ये हो गया आपका z स्क्वायर सही है ना अब जो चेक करो क्या बना अब चेक करो अच्छे क्या हुआ 6 into, यहां से कुछ कटेगा ये कटेगा आपके पास स्क्वायर नीचे बनेगा आपका z 1 बिल्कुल सही है नोमरेटर इसके बाद आपका बचेगा जेड क्यूब जेड क्यूब जेड सिक्स इसको लिख सकते हैं आप इसे लिख सकते हैं आप क्या जेड क्यूब माइनस वन एंड जेड क्यूब प्लस वन डी जेड वैसे आप जेमेट्रिक सीरीज में ला सकते थे वैसे आप सीरीज में ला सकते थे बच्चे तो ये मैं चाहता हूं कैंसिल हो गया ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन अब इसको ठीक करोगे आप सिक्स इंटू जेड क्यूब इसको लाओ अंदर से तो जेड पावर फाइव माइनस जेड फोर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर ठीक है प्लस जेड और माइनस वन डी जेड अब इसको ठीक करेंगे आप अब यहां सीखोगे सिक्स इंटू जेड टू पावर एट माइनस जेड टू पावर सेवन जेड टू पावर सिक्स माइनस जेड टू पावर फाइव जेड टू पावर फोर माइनस जेड क्यूब डिजेड अब इसका आंसर देखो क्या करना अब यहां से इसका इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिक्स इंटू जेड टू पावर एट अपॉन एट प्लस जेड टू पावर सिक्स अपॉन सिक्स फोर अपॉन फोर प्लस कॉन्स्टेंट के लिखेंगे और जेड का वैल्यू वहां प्लेस कर देना होगा जेड का वैल्यू अपने पास क्या हो गया मैं लिख देता हूं वेयर टू पॉवर सिक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स सो जेड हो गया आपका सिक्स रूट ऑफ वन प्लस एक्स ये आंसर हो गया सही है ना क्वेश्चन सही है सबका सही है जी साकेत आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू ये रहा आपके स्क्रीन पे आइए क्वेश्चन नंबर टू में देखो क्या करना क्वेश्चन टू में देखते हो बच्चे क्या करेंगे आप क्वेश्चन टू में सेम कंडीशन है यहां से लिखोगे आपके पास टू एक्स माइनस थ्री राइट अपॉन क्यूब रूट ऑफ टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन डी एक्स कुछ नहीं करना आपको क्या करना है देखोगे आपको क्या करना है बच्चे आपको यहाँ लेना है पुट पुट करना, करना, करना आप ये लिखेंगे आप टू एक्स माइनस थ्री ये हो गया जेड टू दावर सिक्स टू डी एक्स ये हो गया जेड सिक्स जेड टू दावर फाइव डी जेड राइट ना अब यहां से ठीक करना है

जेड टू दी पावर एट बचा बचेगा बच्चे आपके पास नुमरेटर में आ गया जेड टू दि पावर एट अब यहां अपनी मर्जी से क्या करना माइनस वन किया और प्लस वन किया बच्चे दिस वन अब ठीक करो क्या करा अब यहां देखो क्या करेंगे अब यहां से देखेंगे ये लिखा आपका जेड फोर माइनस वन जेड फोर प्लस वन राइट ना Z one, जेड स्क्वायर प्लस वन डी जेड थ्री ऑफ डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन यहां से कैंसिल करेंगे ये बचेगा जेड स्क्वायर माइनस वन क्या हो गया थ्री टाइम इसको सेट करो अब ये बनेगा आपका सितना जेड टू दावर सिक्स माइनस जेड टू दावर फोर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड प्लस थ्री ऑफ टैन इन वर्स जेड राइट ना प्लस कॉन्स्टेंट के वैसे क्वेश्चन के लगाते हैं इंटीग्रेशन होने के बाद लास्ट में बट यहाँ पे कोई फंक्शन तो नहीं आना इसे अपने के लगा दिया ठीक है ना ये हो गया आपका थ्री टाइम जेड टू दावर सेवन बाई द पावर फाइव बाय फाइव प्लस जेड टू दावर थ्री बाय थ्री माइनस जेड प्लस थ्री ऑफ टेन इनवर्स जेड प्लस क्वेश्चन के अब जेड का वैल्यू दोगे आप वहां लिख दोगे आप वेयर जेट सिक्स का वैल्यू कितना है जेट सिक्स का वैल्यू बच्चे अपने पास टू एक्स माइनस थ्री जेट का सिक्स, पावर वन सिक्स हो गया। जेट का वैल्यू है आप सही है ना ये दोनों क्वेश्चन देखिए क्या करना है इसका शोट ले लो आप अच्छा क्वेश्चन था काफी नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ आप आपके सामने क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर कुछ नहीं करने का ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे रूट के अंदर में रूट एक्स बचे तो रूट एक्स को एक्स को साइनस तो के लिए एक्स की बात करूंगा तो ये मैं कॉस स्क्वार सही है ना कॉस स्क्वायर टू थीटा लेंगे इससे फायदा क्या बनेगा डी एक्स हो गया टू इन टू कॉस टू थीटा कोस का हो गया साइन टू थीटा माइनस में एंड टू डी थीटा अब देखो तो क्या बना अपने पास अपने पास बन गया क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री में अपने पास हो गया वो वन अपॉन एक्स ये बनेगा आपका वन बाई कोस स्क्वायर टू थीटा रूट अंडर वन माइनस रूट एक्स ये हो गया कॉस टू थीटा वन प्लस कॉस टू थीटा राइट इनटू टू dx का वैल्यू देंगे आप dx का वैल्यू देंगे ये हो गया टू टू या फोर तो बाहर अपने पास आ गया माइनस फोर अगेन साइन टू थी डी थीटा, थीटा जैसा करेगा जैसा काम करे रहेगा वैसा उसको देखेंगे ठीक करेंगे अब देखो तो कुछ कटने लायक है क्या लगता है यहां से कॉस टू थीटा ये यहां से गया एक पावर गया बच्चे अब यहां से मैं लिखता हूँ माइनस में अब ये लिखता हो अब क्या लिखोगे यहां लिखोगे माइनस में माइनस में फोर ऑफ वन बाय कॉस टू थीटा ओके इसको ब्रेक करोगे तो ये होता है आपका कितना टू साइन स्क्वा थीटा अपॉन टू को स्क्वा थीटा हो गया बच्चे तो ये हो गया टेन थीटा ये लिखेंगे आप टेन थीटा मतलब हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये लिख सकते हैं आप ये इसे ब्रेक करें टू साइन थीटा इन टू थीटा एंड डी थीटा इसको और ठीक करेंगे आप देखेंगे क्या हुआ देखता हूँ क्या किया बच्चे वैसे और भी रास्ता था उस क्वेश्चन को ब्रेक करने का मैं देखता हूं यहां से कॉस कॉस गया ये हो गया अपने पास ये हो गया अपने पास माइनस में एट ऑफ ऊपर हो गया कितना साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया उसे लिख सकते है चलिए टू लगाते हैं यहां पे टू लगाते हैं अपने पास ये अपने पास हो गया फोर ये अपने पास हो गया फोर टू साइंस का थीटा अपॉन कॉस टू थीटा डी थीटा ये हो गया माइनस फोर वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा एंड डी थीटा देखो तो क्या बना बच्चे यहां से ठीक करेंगे आप माइनस में फोर ऑफ सेक टू थीटा डी थीटा माइनस में माइनस में प्लस फोर इंटू या ये कैंसिल ये हो गया आपका d थीटा आंसर देखो क्या बना -4 sec थीटा का होता है log log sec 4 थीटा tan 4 थीटा 4 राइट ना प्लस 4 ऑफ थीटा प्लस कांस्टेंट k ये आंसर हो गया यहां से इसको काट सकते या यहां से इसको कैंसिल कर सकते ये आंसर हो गया तो आपका चाहिए क्या था आपने क्या किया था बच्चे क्वेश्चन में x का वैल्यू cos स्क्वायर 2 थीटा तो कॉस्ट टू थीटा रख सकते हैं वहां पे अब लिख सकते हैं क्या वेयर वेस्ट टू थीटा ये रख सकते हैं आप इसके बाद जो आपका आंसर चाहिए वैसे लेंदी क्वेश्चन है ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है फिर भी रख कर रख सकते हैं इसका वैल्यू अपने हिसाब से उसको फिर ठीक कर लेंगे आप राइट ना दूसरा रास्ता भी था उसका दूसरा रास्ता भी था कि भाई दु आपका मन हो गया कि सर नहीं ऐसे नहीं करेंगे कुछ और रास्ता निकालता हूं मैं एक रास्ता और दिखोगे और क्या लिखूंगा मैं आई क्या वैल्यू इसको रेसलाइज करता हूं बच्चे तो वन माइनस रूट एक्स अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स एंड कंडीशन आ गया अब देखो तो क्या बना बच्चे अब यहां से कुछ बन रहा है क्या कुछ बन रहा है तो ये लगता है ज्यादा आसान हो गया ये हो गया आपका डी एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स सही है माइनस ये गया आपका डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स इंटू वन माइनस एक्स ये भी कर सकते थे आप अब इसको ठीक करोगे आप यहां से लिखोगे इसके लिए अलग इसके लिए अलग करोगे तो ये अपने पास हो गया कितना ये कट के हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया इसको कर सकते हैं आप इसकी बात करेंगे तो वन माइनस एक्स को वाई स्क्वायर मान लेंगे तो माइनस डी एक्स हो गया टू वाई डी वाई तो ये हो गया अपने पास आई का वैल्यू इसको मान लेता हूँ आई वन इसे मान लेता हूँ आई वन इसे आप खुद कर लेंगे सिंपल हो गया वो कर लेंगे आप आसानी से तो डी एक्स अपॉन यहाँ क्या लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे ये हो गया आपका के कितना एक्स हो गया अपना वन माइनस वाई स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर ये हो गया आपके पास वाई 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 कैंसिल आंसर हो गया टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस माइनस वन में इसका वैल्यू होता है माइनस में वन बाई टू एल एन वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन प्लस मैंने कहा आई वन ले तो सिंपल so, आप सिंप्लीफाई कर ही सकते कर सकते हो ना इसे सिंप्लीफाई कर सकते बच्चे आइए क्वेश्चन हो फोर देखता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर के आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर फोर अलग से लिखता हूँ क्वेश्चन फोर फिर से लिखता हूँ ये लिखा टू बाहर निकाल दिया ये अपने पास है बच्चे क्यूब रूट ऑफ टू माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब रूट भी हटाता हूं मैं क्यूब रूट हटाता हूं बच्चे ये लिख दिया दिस पावर वन बाय थ्री और ये अपने पास हो गया वन बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स अब जब देखो तो गौर से ये कुछ दिख रहा है बच्चे क्या मुझे लगता है मुझे लगता है आप चेक करेंगे इसका शायद ये डीसी है इसका ये डीसी है बच्चे चेक करो आप क्या आता है चेक करें क्या आता है? देखें, देखें क्या इसको हटाओ इसको सीधे लिखो आप टू माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स ठीक है इसका डीसी लिखना चाहता हूं बच्चे तो ये अपने पास हो गया टू प्लस एक्स होल स्क्वायर ये ऊपर का हो गया माइनस वन टू प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू टू माइनस एक्स अब देखो तो क्या बच्चा क्या बनेगा माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल माइनस टू माइनस टू माइनस फोर माइनस फोर आएगा यहाँ पे फोर है बच्चे तो फोर अगर है तो इसको ठीक करो आप यहाँ ठीक करोगे तो यहाँ लिखोगे फोर यहाँ लिखोगे बाई फोर माइनस माइनस सही ना माइनस टू माइनस टू माइनस फोर चाहिए माइनस फोर चाहिए तो, तो यहाँ बाहर मिले माइनस फोर तो ये हो गया आपके पास क्या आई क्या वैल्यू हो गया माइनस में हाफ अब देखिए तो इसका डीसी डायरेक्ट बन गया आपके पास अब यहां क्या करोगे अब देखिए क्या इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो गया आपके पास कितना तो माइनस हाफ ये हो जाएगा टू माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स एजीज हो गया पावर फोर बाय थ्री अपॉन फोर इन टू थ्री प्लस कॉन्स्टेंट के ये इसका आंसर हो गया सही है सबका कितना सिंपल क्वेश्चन था ये

अब इसे मैं ब्रेक से खोलता हूं बच्चे दोनों ही क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है दोनों क्वेश्चन का पैटर्न एक है यहां लिखता हूं मैं आई क्या वैल्यू वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स अब देखो क्या बना ये एक्स एक्स कैंसिल ये बनेगा डीएक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस डीएक्स अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन अब इसे ठीक करेंगे देखो क्या बना ठीक करेंगे तो देखो क्या बनाइए ये अपने पास हो गया एल एन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस ये क्या हुआ बच्चे इसका क्या करेंगे ये हो गया आपका सेक इन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के ये आपके पास एंसर हो गया फाइव का सिक्स भी सेम क्वेश्चन है सिक्स आप खुद कर लेंगे ना सिक्स सेम बटन है सेम बटर्न एक लाइन कर देता हूँ आपका वन अपॉन एक्स ये हो गया आपका वन माइनस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स तो और आसान हो गया ये आपके लिए और आसान हो गया बच्चे ये हो गया स्क्वायर dx dx सही है ना अब यहां से इस एक्स को फिर से लिखोगे वन माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ करोगे आप यहां से लिखता हूँ मैं यहां एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वायर हो गया अब लिखो वन माइनस सिक्स स्क्वायर को मानता हूं y square, तो माइनस टू एक्स डीएक्स ये हो गया टू वाई डीवाई टू टू कैंसिल तो यहां अपने पास आई का वैल्यू क्या आ गया चेक करेंगे आप आई का वैल्यू अपने अपने पास वाई डी वाई वाई डी वाई माइनस में राइट ना अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया वन माइनस वाई स्क्वायर दिस वन ये अपने पास आ गया वाई 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 कैंसिल और प्लस इसकी बात करेंगे इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास हो गया साइन इनवर्स एक्स तो प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के इसका आंसर हो गया बच्चे डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वन दिस वन इसे ब्रेक करेंगे तो वन बाय टू एल एन वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के अब यहां से ठीक करो वाई क्या वैल्यू रखो अच्छे वाई अपने पास किसे माना था कुछ माना था क्या हाँ वाई अपने पास हो गया दिस वन तो ये अपने पास हो गया आपका वन बाय टू एल एन वाई क्या वैल्यू हो गया रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के सही है ये नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेवन और एट ये दो क्वेश्चन देखें कैसे बनेगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या करेंगे आप एक्स बाहर निकाल लो बच्चे आपकी बात बन जाएगी या तो इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर सकते तो मैं चाहता हूं इसको बाहर निकालना तो यहां हो जाएगा एक्स ट्यूब ये हो गया वन प्लस रूट अंडर वन प्लस एक्स दाइनस टू ठीक है ना ये डीएक्स अब चेक करो बच्चे क्या बना ये बन गया आपका एक्स टू दावर माइनस थ्री डीएक्स रूट अंडर वन प्लस एक्स टू दावर माइनस टू इसका डीसी अपने पास है तो वन प्लस एक्स टू दावर माइनस टू को आपने मान लिया वाई स्क्वायर अब देखो क्या हो गया माइनस टू इंटू एक्स पावर माइनस थ्री डीएक्स ये हो गया टू वाई डी वाई सही है ना तो अपने पास क्या आ गया आई क्या वैल्यू आ गया ये अपने पास टू टू कैंसिल तो ये अपने पास आ गया माइनस में वाई डी वाई राइट ये अपने पास आ गया वन प्लस वाई या वाई प्लस वन वन प्लस वाई सही है अब यहां सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अब सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे वाई प्लस वन माइनस वन डी वाई वाई प्लस वन राइट ये हो गया माइनस में कैंसिल हो गया उच्चे दे आप जहां वाई का वैल्यू अपने पास हो गया माइनस में रूट अंडर वन प्लस एक्स टू दावर माइनस टू प्लस एल एन वन प्लस रूट अंडर वन प्लस एक्स टू दावर माइनस टू प्लस कॉशन के ये इसका आंसर हो गया सही है क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर देखता हूँ एट नंबर में क्या करने का क्वेश्चन नंबर एट में देखो क्या करना क्वेश्चन नंबर एट में अपने पास क्या है बच्चे इसे ठीक करेंगे आप x माइनस वन एक्स स्क्वायर है अंदर से x बाहर निकाल लोगे x बाहर आएगा बच्चे तो क्या हो गया टू माइनस टू एक्स पावर माइनस वन एक्स ये बना अब इसे ठीक करो बच्चे ये ठीक करोगे आप ये ठीक करोगे तो ये बनेगा आपका x पावर माइनस टू एक्स पावर माइनस थ्री डी चेक करिए आप सही बना के नहीं अब इसे चेक करो आप सही बना के नहीं अब देख बच्चे क्या किया क्वेश्चन में देखिए क्या बना क्या इसका डीसी है क्या ये इसका डीसी है क्या देखो तो इसका डीसी ऊपर है क्या तो देखो तो टू का जीरो हो गया माइनस में टू प्लस में टू टू इन टू एंड माइनस टू माइनस बिल्कुल सही है तो ये अपने पास आ गया क्या टू बाहर आपके पास सही है टू चाहिए तो वन बाय टू बाहर निकाल लेंगे तो वन बाय टू अपने पास आंसर में आ गया क्या अपने पास आंसर में आ गया क्या वन बाय टू इन मैंने पहले कहा इसका हो गया आपका टू हाँ सही राइट right, डायरेक्ट right हो गया अच्छे तो वन बाय रूट एक्स का क्या होता है टू रूट एक्स तो ये अपने पास आ गया टू इन टू अंडर टू माइनस टू एक्स पावर क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है बट क्वेश्चन आसान है लेकिन आसान तब है, बच्चे, आसान और टफ तब होता है ये क्वेश्चन अच्छा तो, तो आपको टफ दिखेगा सही है ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या करेंगे आप देखिए तो नाइन में क्या करना फिर से मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ वही पैटर्न आपके पास चल रहा है क्वेश्चन ना तो हो गया उच्च यहाँ हो गया एक्स पावर माइनस हाफ माइनस हाफ ना माइनस हाफ होल स्क्वायर एक्स बाहर निकाला हमने एक्स बाहर निकालेंगे तो अपने पास आ गया बाहर हो गया एक्स स्क्वायर वन यहाँ हो गया वन बाई एक्स वन बाय रूट एक्स बिल्कुल सही है हाँ सही है अब ऊपर ठीक करोगे ऊपर क्या आपने में टू प्लस रूट एक्स डी इसको ठीक करो आप ठीक कैसे क्या हो गया टू इन टू एक्स पावर माइनस टू वाह गुड ये बनेगा एक्स पावर कितना एक्स पावर माइनस थ्री बाय टू बिल्कुल सही है अपॉन वन प्लस एक्स पॉवर माइनस वन एक्स पॉवर माइनस वन बाय टू होल स्क्वायर चेक करो आप क्या इसका डीसी आता है क्या क्या इसका इसका डीसी चेक करो क्या बना डीसी हो गया आपका माइनस में हाफ इंटू एक्स पावर इसका डिफ्रेंसन करते हैं माइनस थ्री वाय टू ठीक है बच्चे पास माइनस वन कॉमन लेंगे तो ये अपने पास टू आ गया ऐसे आ गया ये हट जाएगा प्लस हो जाएगा तो टू टाइम और बाई टू आ गया बाई टू आ गया दिस वन तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस में हाफ इसको ठीक करेंगे ठीक करेंगे इसका वैल्यू हो गया इसका वैल्यू हो गया बच्चे ये लिखोगे माइनस हाफ तो यहां लिखना पड़ेगा माइनस टू बिल्कुल सही है ये हो गया प्लस माइनस टू तो अब देखो करना क्या अब यहां से इसका आंसर क्या हुआ इसका जब डीसी लिखा आपने तो देखो तो बच्चे क्या बना ये बन गया आपका माइनस टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस हो वन प्लस आंसर हो गया सही है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो तो टेन नंबर में आप क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने कैसे बनाओगे आप यहाँ कुछ नहीं करना आप इसको ले सकते हो इसमें रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो सबसे अच्छा तो आप क्या करोगे यहाँ लिखोगे रूट एक्स ये लिखोगे रूट एक्स सही है ना अब जब देखो क्या करना अब यहां से लिखता हूं मैं अब यहां से इसको लिखता हूं मैं क्या करना क्वेश्चन में यहां से लिखेंगे आप वन प्लस रूट एक्स ये अपने पास हो गया वाई सही है ना तो यहां से अपने पास हो गया अच्छे रूट एक्स का होता है वन बाय टू रूट एक्स डी ये हो गया dy बिल्कुल सही है अब यहां से लिखोगे i का वैल्यू क्या हो गया रूट एक्स का वैल्यू हो गया y माइनस वन और dx का वैल्यू हो गया दिस वन तो dx एक्स अपॉन डी ये वैल्यू आ गया कितना टू टाइम टू टाइम dy वाई अपॉन वाई के पावर एट अपॉन वाई के पावर अब इसे कुछ नहीं करने का अब यहां से ठीक करोगे टू इंटू ये हो गया माइनस वन बाई वाई का पावर एट एंड बना बच्चे अब इसका टू इन टू इसका हो गया बच्चे इंटीग्रेशन में ऊपर बढ़ेगा नीचे घटेगा तो माइनस में वन अपॉन सिक्स इंटू वाई का पावर सिक्स प्लस में वन बाई सेवन इंटू वाई का पावर सेवन प्लस कॉन्स्टेंट के वेयर का वैल्यू क्या है आपके पास लिख देता हूं वेयर वाई का वैल्यू अपने पास कितना है वाई अपने पास है वन प्लस रूटेक्स सही है ना वाई अपने पास हो जाएगा वन प्लस रूटेक्स बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है अब जो इस क्वेश्चन में देखो क्या बनाओगे कैसे बनाओगे आप तो क्वेश्चन नंबर इलेवन देखता हूं बच्चे क्वेश्चन आप बनाओगे तो आपको टफ लगेगा बट सारे बच्चों को टफ नहीं लगता बट कुछ बच्चों को टफ लगेगा कुछ नहीं करना मैं यहाँ से x पावर फोर बाहर निकालता हूँ इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ लिखा अपन ने dx x एक्स पावर फोर बाहर निकाला तो वन प्लस एक्स पावर माइनस फोर यहाँ से x बाहर निकाला अब देखो क्या बना x बाहर निकाला तो ये अपने पास आ गया कितना ये रूट के अंदर में हमारे पास क्या एक्स था तो ये हो गया आपका रूट अंदर वन प्लस पावर माइनस माइनस फोर है ये ठीक है ना ये हो गया आपका माइनस फोर राइट और माइनस वन बिल्कुल सही है अब इसकी बात करोगे देखो क्या बना अब यहां से मैं लिखता हूं बच्चे फोर और ये हो गया फाइव तो ये अपने पास आ गया एक्स पावर माइनस फाइव डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स पावर माइनस फोर एंड रूट अंडर रूट अंडर अब अब कुछ नहीं करने का इसको ठीक खोल दें आप इसे खोल दें हो गया आपका टू वाई डी वाई राइट ना अब इसकी बात मैं करता हूं देखो क्या करना ये जो वैल्यू अपने पास है ये जो वैल्यू अपने पास है बच्चे तो पास टू घटे तो तो घटेगा कैंसिल होगा माइनस हाफ ये हो गया आपका माइनस हाफ वाई डी वाई वाई डी वाई अब यहां से क्या करोगे ये अपने पास हो गया वाई माइनस वन दिस वन अब देखिए बच्चे क्या बना आपके पास आपके पास बना एक वाई यहां से कैंसिल हो गया बच्चे अब देखिए सिंपल हो गया अब यहां से तो इंटीग्रेशन कर ही सकते आप अब यहां से इंटीग्रेशन क्या करोगे अब यहां से इंटीग्रेशन क्या करोगे आप वाई माइनस वन y माइनस वन करोगे तो आइए रखते हैं फिर से अगेन y माइनस वन को मान लेते हैं आपका जेड स्क्वायर तो डी वाई ये हो गया आपका टू जेड डी जेड राइट ये हो गया माइनस में हाफ ऑफ डी वाई बच्चे क्या हो गया टू जेड डी जेड इसका वैल्यू हो गया z और y क्या वैल्यू हो गया जेड स्क्वायर प्लस वन ये कैंसिल हो गया बच्चे टू टू कैंसिल हो गया तो ये बन गया आपका माइनस में टेन इनवर्स जेड टर्स जेड प्लसेंट के ये बना अब जेड को रखोगे जेड को चेंज करोगे जेड को चेंज करोगे तो टेन इनवर्स रखा जेड हो गया रखा बच्चे वाई स्क्वायर का वैल्यू अगेन देखोगे ठीक करोगे वाई गया अपने पास रूट अंडर वन प्लस एक्स पॉल माइनस फोर और माइनस वन प्लस क्वेश्चन के ये आपका आंसर हो गया एक शानदार जानदार क्वेश्चन क्वेश्चन का स्पेशल केस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा आपके सामने अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे मैं चाहता हूं वक्त देता हूं आपको पहले आप खुद बनाएं क्या करेंगे आप मैं चाहता हूं इसे आप बनाएं तब तो मैं पानी पी लेता हूँ आप इसे बनाइए कौन पहले बनाएगा देखिए तो हुआ किससे बनता है पहले कौन कौन बच्चा मेरा स्मार्ट है यहां पता चल जाएगा देखिएगा कौन से बच्चे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और थर्टीन सर पानी खत्म हो गया पानी भिजवा देना ओके okay. मैं ले लूंगा आइए देखिए बच्चे तो क्वेश्चन में क्या करना अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे देखो तो रूट अंडर एक्स है हमारे पास है स्क्वायर रूट भी है क्यूब रूट है बच्चे दोनों चीज हमारे पास है तो क्या करेंगे इसमें दो कंडीशन है पहले तो ले लो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं पहला कंडीशन है होल क्यूब ब्रेक कर सकते हैं बट वो लेंदी है पेयर होगा वो काफी लेंदी हो जाएगा बच्चा आपके लिए क्या करना आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है पुट करो आप क्या पुट करोगे x का वैल्यू z का पावर सिक्स तो ये हो जाएगा डी एक्स जेड ये बनेगा सिक्स जेड फाइव डी जेड दिस वन अब लिखोगे क्या i क्या वैल्यू ये हो गया बच्चे क्यूब रूट क्यूब रूट है तो यहां हो गया जेड स्क्वायर ओके टू प्लस ये हो गया आपका टू प्लस रूट दिस वन ये हो गया जेड क्यूब टू पावर थ्री डी एक्स का सिक्स बाहर आ गया जेड टू तो दी फाइव डी जेड राइट ये कंडीशन आया अब यहां से ठीक करें क्या अब देखो तो जेड के पावर कितने हो गए जेड के पावर हो गया सेवन जेड के पावर सेवन टू प्लस जेड क्यूब टू दावर थ्री डी जेड अब जेड़ देखो तो जेड क्यूब का डीसी क्या हो गया जेड क्यूब का dc z जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर तो हम लोग लिखते क्या है तीन दिन छे एक्स्ट्रा अपने पास आ गया ब्रेक तो करना ही पड़ेगा आपको फिर भी ब्रेक लगता है करना पड़ेगा क्या जेड बाहर निकालना चाहते हैं बच्चे तो जेड क्यू बाहर निकालना चाहते हैं तो उससे कोई फायदा तो आपको होना नहीं है होना है क्या नहीं होना है तो आइए खोल दीजिए चलिए खोलिए तो पहले खोल देते अपन बेकार अपन किया जेड के पावर सेवन आइए बच्चे ये हो गया जेड के पावर नाइन प्लस तीन दून छू सिक्स इसको एंड ये आंसर आंसर हो हो गया हो गया सिंपल हमने कुछ नहीं इसको खोल दिया बच्चे इसे खोल दिया अब देखो क्या करना ये हो जाएगा जेड टू दावर नौ सात सोलहटीन प्लस सिक्स इंटू जेड के पावर थर्टीन ट्वेल्व इंटू जेड का पावर ट्वेल्व प्लस एट इंटू जेड का पावर नाइन एंड डी जेड कुछ नहीं करने का अब यहां से लिखोगे क्या सिक्स इंटू जेड टू दावर सेवनटीन बाई सेवेंटीन प्लस सिक्स बाय थर्टीन जेड का पावर फोर सॉरी जेड टू दावर फोर्टीन बाई फोर्टीन प्लस ट्वेल्व इंटू जेड का पावर थर्टीन बाई थर्टीन

अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में पार्शियल फ्रैक्शन का एप्लीकेशन यूज करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा अदरवाइज ए a bx को zx मानना पड़ेगा आपको नया चीज मानना पड़ेगा और ज्यादा परेशान करेगा तो मैं चाहता हूं इस टाइम में एग्जाम के टाइम में जो अभी आपका मुश्किल से 10 दिन बचा है कोई फालतू नया मेथड नहीं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करो उसे आप तो पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं उसमें एक तरीका ये भी है a bx bx ये लिखा हमने देखो क्या बना ये हो गया एक्स क्यूब ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स बिल्कुल सही तो ये क्या बना एक कैंसिल हो गया बच्चे तो ये बनेगा आपका बिल्कुल सही है माइनस में यहां बनेगा बी इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर बिल्कुल सही है ना बिल्कुल सही बच्चे बिल्कुल सही है अब आइए आगे नेक्स्ट आता हूं देखता हूं देखता मैं क्या करूंगा मैं अब यहां लिखना चाहता हूं मैं फिर से, फिर से हूँ ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स सही है ना कुछ गलत भी हुआ क्या गलत हो रहा है क्या यहाँ पे ए आ रहा था तो वन बाय ए लाना पड़ेगा ना वन बाय ए लाना पड़ेगा ना वन बाय ए लाना पड़ेगा ना, ना? बिल्कुल सही है वन ए पहले से चल रहा था अब देख बच्चे फिर से अपने पास ए आ गया तो ये हो गया ए स्क्वायर आ गया ये अपने पास आ गया ए स्क्वायर This one, A आ गया बच्चे, फिर से लिखोगे आप एक्स क्यूब ए प्लस बी एक्स बिल्कुल सही है, माइनस बी अपॉन ए इसकी बात करोगे फिर से यहाँ लिखोगे ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स गुड बी एक्स बी एक्स साफ हो गया ए फालतू है बच्चे, ए तो आ गया बिल्कुल सही है ए स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर

या इधर देखोगे क्या यहां से राइट में भी सेम कंडीशन रखता है अपने पास आ रहा है ये इसके साथ लोगे इसके साथ लोगे इसके साथ लोगे क्या बनेगा ये a प्लस बी एक्स कैंसिल एक्स a ए प्लस बी एक्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर टू टाइम हो गया तो ये बन जाएगा टू टाइम ये बन गया आपका टू टाइम सही है ना अब माइनस प्लस प्लस हो गया इसके साथ प्लस हो गया अवचेत तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर ऊपर हो गया एक्स कैंसिल तो अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर राइट ना अब देखो तो ये आसान हो गया कुछ तो आसान हो गया एक, एक स्टेप और बढ़ते हैं एक स्टेप बच्चे में और बढ़ता हूं इसमें तो यहां देखो तो देखो ये भी रहने दो वन बाई एक्स क्यूब एक साथ इंटीग्रेट कर लेंगे माइनस टू बी बाई एक्स ए स्क्वायर ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स यहां ए क्यूब हो जाएगा बच्चे ये अपने पास हो गया ए क्यूब बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इसकी बात करोगे तो ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स डी एक्स अब देखिए क्या बना ये बन जाएगा बच्चे में वन बाई टू एक्सर माइनस एक्स स्क्वायर राइट ये, ये, right, ये माइनस प्लस हो गया बच्चे तो टू बी स्क्वायर बाई ए क्यूब एक्स कैंसिल हो गया ये बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स इन टू ए प्लस बी एक्स अब ये पार्सल फ्रैक्शन सिंपल वाला पार्सल फ्रैक्शन आ गया आपका सही है ना प्लस प्लस क्या करेंगे प्लस पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इसकी बात करोगे कैंसिल तो ये हो गया माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब ए स्क्वायर ए स्क्वायर पहले से था बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पहले से था बच्चे राइट तो यहां भी ए क्यूब होगा ना यहाँ भी अपने पास हो जाएगा एक क्यूब ये हो गया बच्चे एक तो ये हो गया अपने पास कितना ये हो जाएगा एक क्यूब बी क्यूब बाय एक क्यूब राइट बी क्यूब क्यू अच्छा इसके साथ बी क्यूब तो ये हो गया था अपने पास यहाँ हो गया एक क्यूब ये अपने पास एक क्यूब है बच्चा दिस वन ठीक है आ सही है अब देखो क्या क्या बना आपके पास एक्स एक्स कैंसिल अब यहां से पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में निकाल सकते या आप जो आपको चाहिए वो कर सकते तो ये हो गया आपका दिस वन माइनस टू बी अपॉन ए क्यूब ये प्लस हो गया वन वाई एक्स माइनस प्लस में आ गया प्लस टू बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इसकी बात करोगे तो इसका इंटीग्रेशन में क्या होता है बच्चे ऐसे लोगे ये बचेगा केवल ए तो यहां हो गया ए आया ए आया आपके पास तो नीचे हो गया आपका ए फोर ये हो गया ए फोर डीएक्स तो सेम कंडीशन फिर यहां से बी क्यूब था था, बच्चे, B square by A cube था, B square, और ये लगता है सेम कंडीशन है ये अपने पास दोनों है, तो थ्री लिख सकते हैं ना, इसे लिख दोगे अच्छा रहेगा ये अपने पास हो गया थ्री टाइम ये अपने पास हो गया थ्री टाइम से हटा दो आप माइनस माइनस में क्या हो बच्चे बीक्यूब बाई ए क्यूब ठीक है ना इसका हो गया वन अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस और एक्स का ऑप्शन बी से डिवीजन होता है इन टू बी प्लस कॉन्स्टेंट के एक बी यहाँ से गया तो बचेगा बी स्क्वायर ये हो गया आपके आंसर एक क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन था ऐसा आता होता नहीं है बचे क्वेश्चन बट कभी कभी लेंदी क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन प्रोसेस हो जाता है और फाइनली वो दे देगा फंक्शन के फॉर्म में एफ एक्स जी एक्स एच एक्स कुछ ऐसा दे देगा अब बोलेगा फाइंड एफ एक्स ऑप्शन में डाल देगा एफ एक्स का वैल्यू क्या जी एक्स का वैल्यू क्या एक्स का वैल्यू क्या ऐसे डाल सकता नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर देखिए तो क्वेश्चन में क्या करेंगे फिर से सेम स्टिल क्वेश्चन क्वेश्चन लगता है ये तो आसान दिख रहा है मुझे ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन में क्या इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस टू बाई थ्री और ये बनाया बच्चे एक्स प्लस एक्स पॉवर वन बाय थ्री डी एक्स कुछ नहीं करने का अब देखो क्या करना जेड मान लो आप वन प्लस एक्स टू दावर माइनस ये वैल्यू डीएक्स का वैल्यू इसका वैल्यू दिया हुआ है टू ये हो गया सिक्स टाइम सिक्स टाइम वाई डी वाई ठीक है ना ये वैल्यू अपने पास क्या है ये हो गया प्लस वाई पहले वाई हो गया ये दिस का वैल्यू कितना हो गया वाई डीवाई सिक्स टाइम तो ये हो गया वाई स्क्वायर डीवाई ये सिंपल क्वेश्चन हो गया अब इसे ठीक करोगे प्लस तो आपका टू वाई क्यूब वाई क्यूब मतलब क्या हो गया वाई क्यूब हो गया आपका वाई क्यूब हो गया वन प्लस एक्स पावर वन बाय थ्री का स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट वन बाय टू और उसका पावर थ्री थ्री बाय टू प्लस कांस्टेंट की ये इसका आंसर हो गया अगेन क्वेश्चन में देखता हूँ 15 16 15 टाइप के क्वेश्चन हमने खूब बनाया क्वेश्चन में बनाया ना क्या बच्चे 15 टाइप क्वेश्चन बनाया है ना हमने आइए देखता हूँ मैं क्या करेंगे 15 में 15 में भी वही सेम काम करोगे आप क्या करोगे यहाँ से x क्यूब बाहर निकाल लो तो बाहर आपके पास x बाहर आ गया ये बनेगा आपका x पावर -3 minus -1 पावर 1/3 dx अब थ्री है तो यहाँ फोर लाता हूं पावर थ्री करता हूं यहाँ सॉरी थ्री मल्टीप्लाई किया ऐसे तो ये अपने पास हो गया फोर और यहां हो गया आपका एक्स क्यूब अब जा चेक करो क्या बना आपके पास अब देखिए क्या बना इसका ऊपर अपने पास आया कि नहीं अब देखिए तो यहां से प्लेस करेंगे पुट करेंगे आप ये हो गया आपका वन बाई एक्स क्यूब माइनस वन बराबर जेड मान लिया जेड क्यूब तो मान लिया ये अपने पास हो गया छे कितना हो गया डीसी में ऊपर घटता है नीचे बढ़ेगा नीचे बढ़ेगा अच्छे तो 1 बाय यहाँ हो गया 3 अपॉन इसको लिख सकते हैं आप 3 अपॉन x पावर 4 माइनस में सही है ना माइनस ये दिस ठीक है dx तो ये हो गया आपका 3 z स्क्वायर dz दिस वन अब इसकी बात करोगे क्या है देखो तो अब यहाँ से एक x क्यूब dx x क्यूब dx है क्या नहीं dx अपॉन दिस देखो अच्छे क्या है अपने पास

अब एंसर क्या हुआ यहाँ से एक कैंसिल हो गया अब ये बन जाएगा जेड डी जेड अपॉन जेड क्यूब प्लस वन अब यहाँ से सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन अब यहां से सिंपल पार्शियल फैक्शन जो आप जानते हैं उस पैटर्न पे आ जाएगा माइनस में यहां लिखेंगे क्या ये हो गया आपका जेड प्लस वन इसको ब्रेक करेंगे जेड प्लस वन जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन आप जानते हैं इसको ए अपॉन दिस बी जेड प्लस सी

x हो गया वाई स्क्वायर ये बनेगा डी एक्स टू वाई डी वाई राइट ना बिल्कुल सही है बच्चे आइए देखो क्या करेंगे अब अब मैं यहां से इसको हटाता हूं इसे हटा दिया बच्चे इसे हटा दिया आप देख सकते दोबारा आइएगा नेक्स्ट इसे इसे हटा दिया अपन ने दिस वन क्या चाहिए अपने पास अपने पास सही आई क्या वैल्यू एक्स हो गया वन बाई एक्स है तो वन बाय वाई स्क्वायर हो गया बच्चे रूट अंडर वन प्लस वाई और डी एक्स अपने पास है टू वाई डी वाई यहां से क्या बना ये बन गया अपने पास कितना टू बाहर आ गया रूट अंडर वन प्लस वाई अपॉन वाई एंड डी वाई अब सिंपल सा कंसेप्ट बना आपके पास इसको और ठीक करते हैं इसको लिखना चाहता हूँ मैं ऐसे वन प्लस वाई अपॉन वाई इंटू रूट अंडर वन प्लस वाई लिख सकते हैं ना अब देखो तो क्या बना टू इंटू डी वाई अपॉन y इंटू रूट अंडर वन प्लस वाई ठीक है प्लस टू टाइम y आ गया बच्चे डी वाई अपॉन वाई प्लस वन का स्क्वायर रूट अब इसका तो आप सिंपल काम कर सकते कैसे कर सकते पता है आइए देखते हैं इसी में इसी में देखता हूं मैं यहां लिखता हूँ मैं y प्लस वन माइनस वाई तो ये हो गया दिस वन इसके साथ देखेंगे तो रूट वाई नहीं ऐसे नहीं करना ऐसे मत करना ऐसे मत करना यहां क्या करना बच्चे ये अपने पास dy है तो अपन इसे इसके लिए क्या करता हूं मैं 1 y को ले लिया z स्क्वायर तो ये हो गया आपका dy हो गया बच्चे 2z dz राइट अब देखो क्या बना i क्या वैल्यू ये हो गया 2 टाइम ये अपने पास आ गया कितना 2 हो गया 2 2 हो गया 4 टाइम 4 टाइम z dz राइट ना अपॉन ये बनेगा और y कितना हो गया बच्चे y हो गया जेड स्क्वायर माइनस वन प्लस इसकी बात करेंगे टू वाई वाई प्लस वन का रूट, अब इसको ठीक करो देखो क्या बना ये ये इसका वैल्यू रहा प्लस टू इंटू वन बाय रूट एक्स का होता है टू रूट एक्स टू ऑफ वाई प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट के अब इसका बाकी जो रिस्ट जो वैल्यूज है वो रख सकते हैं आप एल एन जेड क्या वैल्यू दीजिएगा रूट अंडर वन प्लस वाई वन प्लस वन वन प्लस वाई प्लस वन प्लस फोर इंटू रूट अंडर वाई प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट के वाई का वैल्यू दीजिएगा वाई का वैल्यू क्या माना था आपने वाई स्क्वायर वाई अपने पास रूट एक्स है वेयर हो हो गया x. मैं, where, why, two, x हो गया लिख मैं ये आपका वैल्यू हो गए सही है ना क्वेश्चन नंबर कौन सा था क्वेश्चन हो गया तीनों हो गए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने अब जब देखो तो क्वेश्चन सेवनटीन में और एटीन में क्या करेंगे आप क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एटीन हु विल डू फर्स्ट थोड़ा सा प्रयास करें आप कैसे करेंगे 17, 18 में है ना अपन लोग क्या कर सकते हैं देख दो तो बच्चे यहाँ स्क्वायर रूट है यहाँ पे अपने पास क्या है ये स्क्वायर रूट है बच्चा ये स्क्वायर रूट है ये फोर्थ रूट है तो आपको क्या करना अब आपको लेना है क्या बच्चे आपको लेना है ये पुट करना है क्या x का वैल्यू जेड फोर तो dx क्या हो गया फोर जेड क्यूब डी दिस वन अब यहां से क्या करने का बच्चे ये अपने पास हो गया i का वैल्यू वन बाई तो वन एक्स स्क्वायर सही है ना क्यूब रूट ऑफ तो ये हो गया वन प्लस इसकी बात करोगे तो ये हो गया जेड का पावर वन बाय थ्री और डीएक्स अपने पास आ गया फोर बाहर आ गया जेड क्यूब डी जेड राइट ना अब इसको ठीक करो आप इसे ठीक करो आप देखो क्या करना ये बन गया फोर इन टू ये यहां से गया जेड क्यूब जेड क्यूब ना जेड क्यूब जेड स्क्वायर यहां था ये था

प्लस हो गया y, और वैल्यू हो गया Y3 -1. DZ हो गया थ्री बाहर निकाल लीजिएगा तो बारह अपने डी वाई एंसर हो गया ट्वेल्व ऑफ ये हो गया वाई क्यूब तो ये हो गया वाई तो का पावर सिक्स माइनस वाई क्यूब डी वाई ये आंसर यहां से आ गया बच्चे 12 y 7 by 7 y 4 by 4 कांस्टेंट के ये आपके आंसर हो गए चेक कर लेंगे आप जस्ट चेक बैक आप आंसर चेक कर लेंगे सही है कि नहीं और अगले क्वेश्चन में x 3 मान लोगे आपका काम बन जाएगा अगले क्वेश्चन में 18 में x 3 मान लोगे तो आपकी बात बन जाएगी सही है ना तो देखो तो क्या बना अगले में आप y q मान लो एक्स को ले लिया वाई क्यूब तो डीएक्स अपने पास हो गया थ्री वाई स्क्वायर डी वाई तो अपने पास आई का वैल्यू क्या हुआ बच्चे अपने पास है स्क्वायर राइट right? अपने पास हो गया वाई क्यूब और वन प्लस वाई बिल्कुल सही है अब जो चेक करें आपके पास क्या आंसर आया थ्री इंटू डी वाई अपॉन वाई इंटू वन प्लस वाई ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया है ना अब सिंपल क्वेश्चन हो गया तो पार्सल फ्रैक्शन अब यहाँ लिख सकते हैं वन है क्या ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन चेक करो अब क्या हुआ बच्चे एल एन वाई अपॉन वाई प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट के वेयर वाई क्या वैल्यू था क्यूब रूट ऑफ एक्स दिस वन ये ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स्ट आएंगे नंबर रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर अब देखो पुए क्या करोगे आइए क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन भी आप बना चुके हैं पहले से अब मैं इसका लगता है इसका डीसी सेट करूंगा बाहर आ जाएगा इसका डीसी सेट करेंगे देखो क्या अपने पास आया डी क्या इसको ऐसे ब्रेक करो आप एक्स स्क्वायर डी इसे बाहर निकालना चाहते हैं तो हाफ कैंसिल हो गया तो एक्स पावर फाइव बाहर आ गया ये हो गया ए एक्स पावर माइनस टू राइट प्लस बी टू दावर फाइव बाय टू बिल्कुल सही है बच्चे अपने पास हो गया एक्स पावर माइनस थ्री डी एक्स अब सीधे डी सी आ गया ए एक्स पावर माइनस टू प्लस बी टू दावर फाइव बाय टू ठीक है ना यहाँ पे क्या चाहिए माइनस टू है बच्चे तो माइनस टू यहाँ क्या हो गया आपके पास माइनस थ्री माइनस टू इन टू इसको ठीक करना आप इसे ठीक कर लो बच्चे आप इसका डीसी क्या हुआ माइनस टू माइनस टू तो वन बाय टू आ गया राइट ए भी चाहिए तो माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस टू ए तो ये हो गया आपका दिस वन ये इसका डीसी सेट हो गया बच्चे ये इसका डीसी सेट हो गया अब देखिए तो डायरेक्ट डीसी है क्या आप? अब अब आपके पास डायरेक्ट डीसी है क्या इसका डीसी हो गया माइनस टू ए

माइनस हो गया वन बाय थ्री ए राइट वन अपॉन ए एक्स पावर माइनस टू प्लस बी पावर थ्री बाय टू प्लस के इसे और ठीक करना चाहते हैं तो और ठीक कर सकते माइनस वन बाय थ्री ए ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाय टू सही है तो ये निकलेगा आप क्या एक्स क्यूब आ गया आप अपने पास यहां से तो ऊपर आ गया आपका एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब राइट है हाँ ना इसको लिखोगे बाहर निकालोगे तो a x और a b a plus b x square आ गया सही है x power two टू to cancel तो x power three बचेगा ऊपर आ गया x power three plus constant के ये सही है सही है ना अब देखो दो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे आप इस क्वेश्चन को देखो अच्छे x के लिए क्या रखते हैं आप x के लिए one by t b रख सकते हैं और एक्स के लिए आप कुछ भी अपने हिसाब से उसको बाहर निकालना चाहोगे तो बाहर निकाल सकते तो बाहर निकालना चाहता हूं मैं तो यहाँ देखता हूँ क्या करूँगा ये लिखा एक्स फोर ये हो गया आपका एक्स बाहर तो ये बनेगा आपका वन प्लस एक्स पावर माइनस टू डी एक्स तो माइनस टू का हो गया माइनस थ्री अब इससे ठीक कर बच्चे देखो तो क्या बना एक बना आपका एक्स पावर फाइव है तो एक्स पावर हो गया कितना हो बच्चे देखो चेक करना ये हो गया आपका एक्स पावर माइनस थ्री बच्चे का एक्स स्क्वायर रूट अंडर वन प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स अब चेक करो क्या बना अब लिखोगे वन प्लस ठीक है ना वन प्लस क्या लिखोगे बच्चे वन वाई एक्स स्क्वायर ये बना अब लोगे वाई स्क्वायर तो ये हो गया माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स ये हो गया टू वाई डी वाई बिल्कुल सही है टू टू साफ हो गया बच्चे अब यहां से क्या करोगे आप देखो क्या किया आपने? ये पास एक था, ये अपने अपने पास पास था है बच्चे तो ये हो गया माइनस में वाई डी वाई ये माइनस में वाई डी वाई अपॉन इसका वैल्यू लिखोगे वाई वन बाई एक्स स्क्वायर चाहिए चाहिए तो ये अपने पास हो गया वाई स्क्वायर माइनस वन दिस वन अब देखो क्या करना अब देखो क्या करना बच्चे तो ये डी वाई को यहां से हटाइएगा इस डी वाई को यहाँ बीच में नहीं लिख सकते आप तो इसे भी हटाता हूँ वाई स्क्वायर माइनस वन को यहां हटाता हूँ बच्चे और वाई स्क्वायर को लिखता हूं मैं वाई स्क्वायर माइनस वन यहाँ लिखा डी वाई ये कैंसिल हो गया अब ये अपने पास आ गया वाई क्यूब बाई थ्री माइनस वाई प्लस कॉन्स्टेंट के ये आंसर हो गया और एक्स का वैल्यू यहाँ से दे दीजिए आप यहाँ से दे दीजिए आप माइनस में y का वैल्यू क्या हो गया इसको यही लिख देता हूं मैं इसको यही लिख देता हूं मैं वेयर टू ये आंसर हो गया सही है ना एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हर देखिए दो क्वेश्चन और ही आपके पास अब इस क्वेश्चन में कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू मैं चाहता हूं पहले आप बनाए ट्वेंटी आपका आसान क्वेश्चन है ट्वेंटी <clears throat> बनाएंगे कैसे बनेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखो चाहिए क्या करोगे आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बनाइए ये हो गया आपका रूट एक्स इसकी बात करो एक्स पावर हाफ बाहर निकालना चाहते हैं बच्चे तो फाइव बाय टू बाहर आएगा फाइव बाय टू बाहर आएगा ये बनेगा वन प्लस एक्स पावर माइनस टू पावर फाइव बाय फोर डीएक्स अब लगता है ये बात बन जाएगी तो ये हो गया थ्री ये हो गया आपका एक्स पावर माइनस थ्री डीएक्स वन प्लस एक्स पावर माइनस टू पावर हो गया आपका फाइव बाय फोर अब देखिए तो इसका डीसी है क्या इसका देखिए इसका डीसी डायरेक्ट है कि नहीं इसका डीसी डायरेक्ट ऊपर आ गया इसका डीसी डायरेक्ट ऊपर आ गया ठीक है ना तो माइनस टू इंटू यहाँ चाहिए माइनस टू माइनस टू इंटू तो माइनस वन बाय टू माइनस टू इंटू एक्स पावर माइनस क्या हो गया इसका आंसर हो गया आपका माइनस में हाफ और ये ऊपर जाएगा पावर फाइव बाय फोर है तो ऊपर में बढ़ेगा नीचे घटेगा तो वन घटा देंगे माइनस फाइव बाय फोर तो ये हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स पावर माइनस टू पावर वन बाय फोर अपॉन वन बाय फोर प्लस कॉन्स्टेंट के आंसर हो गया माइनस टू अपॉन ये हो गया आपका वन प्लस एक्स पावर माइनस टू पावर वन बाय फोर प्लस कॉन्स्टेंट के ये आंसर हो गया एंड द लास्ट क्वेश्चन इसे बनाइए इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में देखो आप क्या सोच रहे हो इस क्वेश्चन में देखो आप क्या सोच रहे हो इस क्वेश्चन में कुछ मत करना यहां से लिखोगे डी एक्स एक्स फोर एक्स बाहर निकालो आप एक्स बाहर निकालोगे तो वन प्लस यहां क्या हो जाएगा एक्स यहां लिखोगे वन बाय फाइव सॉरी वन x4 पावर वन बाय फोर सही है ना अब देखो तो अच्छे ये क्या हो गया ये अपने पास हो गया एक्स पावर फाइव ये अपने पास आ गया एक्स टू दावर फाइव देखो तो इसका डीसी है क्या ये इसी का डीसी है ना इसका डीसी चाहिए आपका कितना पावर माइनस माइनस फोर फोर था तो -4 into, आपको चाहिए माइनस फोर इन टू यहाँ हो गया आपका माइनस फोर वन बाय फोर तो माइनस फोर माइनस में माइनस फोर इन टू एक्स पावर माइनस फाइव बिल्कुल सही है आपका डीसी ठीक है उच्चे माइनस फोर एक्स पॉवर माइनस फोर का डीसी क्या हो गया उच्चे इसको ठीक करोगे आप वन प्लस एक्स पावर माइनस फोर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये माइनस फोर एक्स पावर माइनस फाइव आ गया देखिए क्या हो गया तो ये अपने पास सेट हो गया इसे हटा करके ऊपर ले जा सकते हो आप हटा सकते एक्स पावर माइनस फाइव एंड डी एक्स अब जब देखो तो इसका डी सी डायरेक्ट आ गया ना एंसर हो गया माइनस वन बाय फोर और इसका हो गया वन बाय फोर है पावर में तो माइनस में वन बाय फोर है ऊपर में ऐड तो करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स पावर फोर पावर फोर पावर थ्री बाय फोर प्लस कॉन्सटेंट के राइट ना इट्स ऑल माय डियर मुझे लगता है ये काफी हो गया आपके लिए सही है ना तो आप रेगुलर वे में आप वॉच करते रहें जो बच्चे बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं आप कॉलेज से कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है बेटे मैंने सारे सीट को मैंने पहले का कोटा बेच सारे स्टडी मटेरियल को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में ला दिया है ताकि आपको क्वेश्चन जब देखेंगे आप सीरियल वे में सारा बनता जाएगा कभी कभी बच्चे व्हाट्सएप पर पूछते हैं सर कौन सी बुक अच्छी रहेगी सिंगिंग अच्छा होगा या क्या अच्छा होगा अर अच्छा होगा किसी का बुक बनाओगे नाइनटी परसेंट आर सोल्ड ऑन द व्हाइट बोर्ड अब डिजिटल बोर्ड डिजिटल बोर्ड पे हमने 90 परसेंट क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है हर बुक का अब आप डिपेंड करता है उसे कैसे लेते हो सीरियसली बात करो एक बार नहीं होता दोबारा देखोगे आप थोड़ा सा स्लो करके देखोगे चूंकि फास्ट चल रहे हैं लॉकडाउन का टाइम बच्चे तो फास्ट तो चलना पड़ेगा ठीक है ना और प्रैक्टिस आपके लिए आपका तो एग्जामिनेशन है दस दिन बाद तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा ओवरऑल मैं सारी बात कर रहा हूं कहीं कोई कमी नहीं कर रहा हाँ बहुत बेसिक बहुत बेसिक भी नहीं जा रहा बट बेस को टच करते हुए काफी हाई 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 जाता जा रहा हूं ताकि आपको परेशानी नहीं हो थैंक यू डियर सी यू नेक्स्ट टाइम